हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल जॉबलेस फैमिली में। दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पटना हाईकोर्ट की तरफ से एक रिक्रूटमेंट का नोटिस निकला है पर्सनल असिस्टेंट के लिए। यहाँ पर 131 कैंडिडेट को यहाँ पर सिलेक्टेड किया जाएगा एग्जामिनेशन के माध्यम से। दोस्तों आप अगर नहीं जानते तो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, वहाँ से जो पटना हाईकोर्ट का जो रिक्रूटमेंट का एडवर्टाइजमेंट निकला था तो उसी के बारे में हमने डिस्कस किया है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आप लोग जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिलअप करेंगे। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए आप लोगों को आना होगा जो वेबसाइट है, मतलब जो पटना हाईकोर्ट का वेबसाइट है वहाँ पर आना होगा। तो वहाँ पर आने के बाद जो नोटिस बोर्ड में आप देखेंगे तो यहाँ पर सेकेंड लाइन में एक नोटिस दिया गया है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। तो क्लिक करने के साथ साथ एक नया पेज खुल जाएगा। तो नया पेज यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई करने का एक ऑप्शन दिया गया है, अप्लाई फॉर पर्सनल असिस्टेंट। यहाँ पर आप लोग अपना एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हैं। उसके बाद आप अगर एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं तो ये वाला एडवर्टाइजमेंट आप लोगों को डाउनलोड करना होगा। दोस्तों इसका भी PDF का लिंक हम नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए देरी ना करते हुए एप्लीकेशन को देखते हैं कि कैसे आप लोग स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन करेंगे। यहाँ पर सिंपली आप लोगों को क्लिक करना होगा। तो क्लिक करने के साथ साथ एक नया पेज खुल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म का। तो यहाँ पर पहले आप लोगों को यहाँ पर अपना नाम देना होगा, उसके बाद मिडिल नेम, उसके बाद आप लोगों का सर नेम मतलब लास्ट नेम देना होगा, उसके बाद आप लोग फादर नेम देंगे। यहाँ पर एड्रेस के कॉलम में आप लोगों को जो प्रेजेंट एड्रेस है वो देना होगा। यहाँ पर स्टेट, यहाँ पर मोबाइल नंबर देना होगा। अगर आप लोगों का सेम है मतलब प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप लोगों को सिंपली इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना होगा। अगर नहीं है तो आप लोगों को ये फिलअप करना होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर परमानेंट रेसिडेंशियल ऑफ बिहार, अगर आप बिहार के रेसिडेंशियल है तो आप किन कैटेगरी में पढ़ते हैं तो वो देना होगा। उसके बाद आप लोगों का जेंडर देना होगा, मेल या फीमेल वो देना होगा। अगर आप फिजिकली हैंडीकेप है वो भी यहाँ पर आप लोगों को देना होगा। तो दे के आगे बढ़ जाना होगा। यहाँ पर जो यहाँ पर दिया गया है, अगर आप कोई भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जॉब करते हो तो यहाँ पर आप लोगों को देना होगा येस और नो करके। जैसे कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ येस या नो, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है नो कर देता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को जो यहाँ पर कोर्ट इंक्लूडिंग डेली वेजेस, आप कोर्ट के अंदर काम करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को येस और नो करना होगा। यहाँ पर मैं भी नो कर देता हूँ। तो उससे ये बार बार ऐसे तरह से लोड होता रहेगा अगर आप मोबाइल से करेंगे। तो दोस्तों मैं इसको फिलअप ना करके आप लोगों को बता 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 के चला जाता हूँ, क्योंकि ये अगर लोड होता रहेगा तो यहाँ पर प्रॉब्लम होगा। उसके बाद आप लोगों को अपना जो डेट ऑफ बर्थ देना होगा यहाँ पर, उसके बाद नेशनलिटी, यहाँ पर इंडियन ही सिलेक्टेड हुआ है तो आप लोग ये चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एडुकेशन क्वालिफिकेशन, आप लोग यहाँ पर जो अपना एग्जामिनेशन, कौन सा एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं वो यहाँ पर देना होगा। उसके बाद बोर्ड ऑन यूनिवर्सिटी, उसके बाद ईयर, कौन सी ईयर में पास किया था, उसके बाद डिवीज़न मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जो कौन सा भी डिवीज़न है आप यहाँ पर देंगे। उसके बाद परसेंटेज देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, यहाँ पर कौन कौन सा सब्जेक्ट था आपके जो एग्जामिनेशन का तो वो यहाँ पर देना होगा। ऐसे करके 12th देना होगा, उसके बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और अदर्स कोई भी क्वालिफिकेशन है तो वो भी यहाँ पर देना होगा। उस यहाँ पर और एक ऑप्शन दिया गया कि अगर आप लॉ के ग्रेजुएट है तो यहाँ पर आप लोगों को एक प्रिफरेंस भी दिया जाएगा। तो यहाँ पर लॉ ग्रेजुएट है तो यहाँ पर आप लोगों को ये सब नो करना होगा। उसके बाद ऑनर्स ग्रेजुएट है और पोस्ट ग्रेजुएट है इंग्लिश में तो यहाँ पर भी नो येस नो करना होगा। उसके बाद 50% मार्क्स है या नहीं तो यहाँ पर भी आप लोग येस नो करना होगा। उसके बाद आप लोगों का कंप्यूटर सर्टिफिकेट में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है या नहीं वो भी यहाँ पर देना होगा। वर्किंग एक्सपीरियंस है तो वो भी यहाँ पर आप लोगों को लिखना होगा। तो उसके बाद नीचे आप लोगों को देना होगा कि अगर आप पटना हाईकोर्ट में काम करते हैं तो ये वाला जो ऑप्शन है ये आप लोगों के लिए है। यहाँ पर आप लोगों को जो कौन सा पोस्ट के लिए आप काम करते थे वो देना होगा। उसके बाद आप लोगों का एम्प्लॉयर देना होगा, कौन से एम्प्लॉयर है आप। उसके बाद पीरियड मतलब कितने टाइम तक आप काम करते थे वो भी यहाँ पर देना होगा। तो उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन बॉक्स में आप लोगों को क्लिक करके यहाँ पर कैप्चा कोड दे के सबमिट एप्लीकेशन बटन पे आप लोगों को क्लिक करना होगा। दोस्तों ये फॉर्म यहाँ पर ही समाप्त नहीं होता, इसके बाद जो आप लोगों को फॉर्म सबमिट करने के बाद आप लोगों को पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर आप लोगों को पेमेंट करना होगा। जो आप लोगों का जो फीस था वो यहाँ पर देना होगा। उसके बाद जो फीस पेमेंट करने के 24 घंटे बाद आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को फ़ोटो और सिग्नेचर ऐड करने का ऑप्शन दिया जाएगा। यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर के बारे में बोला गया है कि
आप लोगों का जो फोटोग्राफ है वो 40 KB के अंदर होना चाहिए और 200x230 पिक्सल आपका होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर के लिए बोला गया है कि 10 KB का सिग्नेचर होना चाहिए और डायमेंशन के लिए यहाँ पर बोला गया है 144x60 पिक्सल का आप लोगों का होना चाहिए। तो ये सारा कुछ यहाँ पर बताया गया है। तो ये सारा कुछ आप लोगों को देने के बाद ये जो फॉर्म सबमिट करेंगे वो ही यहाँ पर फाइनल सबमिट होगा। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप हमें ज़रूर बताइए। ऐसी तरह से बहुत सारा गवर्नमेंट के जॉब रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आप लोग जानना चाहते हैं तो हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रख दीजिए और हमारा जो फेसबुक पेज है वो भी आप लोग लाइक कर दीजिए। और यहाँ पर अब हमारा ग्रुप भी है तो हमारे अगर किसी पे भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।